हिमाचल प्रदेश के शक्ति पीठों समेत बाकी मंदिरों में भी नवरात्रों की धूम मची है। धूम ऐसे कि मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई है। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने आसपास के मंदिरों में मत्था टेका और भीड़ बढ़ने का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग मंदिरों से आई तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि आप भी घर बैठे माता के दर्शन कीजिए। तो हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी जो कि कांगड़ा जिले में आता है, श्री नैना देवी स्वारघाट के बालासुंदरी मंदिर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से बढ़ चुकी है और श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो देवभूमि हिमाचल भक्तिमय हो चुकी है और आस्था में पहाड़ों के लोग अब डूब चुके हैं। माता के भजन गाए जा रहे हैं और अलग अलग मंदिरों से जो तस्वीरें सामने आई वो फिलहाल हमने आपको दिखाई। हर साल की तरह इस साल भी श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्रों की पूरी तैयारियां की गई है। मंदिर प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको कि आज से 15 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रों में इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। मंदिर आने के लिए कोविड वैक्सीन की डबल डोज या फिर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। साथ ही मंदिर में 100 से ज्यादा कर्मचारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी नियुक्त किया गया है। त्रिलोकपुर के शक्तिपीठ महामाया बालासुंदरी मंदिर में भी नवरात्रों की धूम मची है और इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए एसओपी जारी की है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव और दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मंदिर में एंट्री मिल पाएगी। मंदिर परिसर में बिना मास्क के मिलने पर श्रद्धालुओं का चालान भी काटा जाएगा और दर्शन के दौरान मूर्तियों को छूने, चुन्नी चढ़ाने और मंदिर में भजन कीर्तन पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऊना से पंकज कतना इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, ऊना की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं का कितना जनसैलाब मंदिरों में उमड़ा है, तस्वीरें भी दिखाइए। महिमा, आपको बता दूं कि कल जो प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में अभी तक तो कमी देखने को मिल रही है, पर लेकिन आने वाले दिनों में जो है ये सैलाब भारी मात्रा में उभर सकता है, क्योंकि पिछले नवरात्रों में भी जो अभी पिछले अष्टमी के नवरात्रे गए हैं उसमें श्रद्धालुओं को जाने की परमिशन नहीं थी, पर इस बार जाने की परमिशन तो दी गई है, पर लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक गाइडलाइंस जो है कोविड-19 के जो रिगार्ड है वो जारी की गई है, जिसमें आप लोग मंदिर में बैठ नहीं सकते और जो चलते हुए आप मंदिर में जो है वो माता के दर्शन कर पाएंगे। उसके अलावा भजन कीर्तन की अनुमति नहीं दी गई है, भंडारों की अनुमति नहीं दी गई है। जो लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करेंगे उनके लिए कोविड की दोनों डोज लेना अनिवार्य है या फिर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना यहाँ पर अनिवार्य है। पंकज कतना, आपके पास लौटेंगे क्योंकि पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रों की धूम किस तरह से देखने को मिल रही है पांवटा साहिब में। जी, बताना चाहूंगा कि देवभूमि हिमाचल है या सिरमौर की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह लोग श्रद्धालु तांता लगना शुरू हो गया है। इस समय मैं पांवटा साहिब के एक छोटे से मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ पर श्रद्धालुओं का सुबह से आना शुरू हो गया था। हमारे साथ कुछ यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद है कि किस तरह से यहाँ पर सरकार द्वारा गाइडलाइन का जो दी गई है, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर गाइडलाइन स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आप मंदिरों में कुछ समय खड़े हो सकते हैं, माथा टेकने के बाद आप जाएंगे ना ही आप जल कीर्तन होते हैं, क्योंकि लंबे समय से नवरात्र नहीं हो, कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते जो मंदिरों में थे ताले इस बार, तो कोविड की वजह से प्रभावित यहाँ पर नवरात्रे हो रहे थे त्योहार, लेकिन इस बार धूम यहाँ पर मची है। इसी बीच ठियोग से सुरेश शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेश, अगर ठियोग की बात करें, देखिए वहां पर भी काफी ज्यादा मंदिर है और ऐसे में वहां पर कितनी धूम देखने को मिल रही है। जी, मैं आपको बता दूं शारदीय नवरात्र जो है आज से शुरू हो चुके हैं और मंदिरों में
उत्साह का उत्साह जो है भक्तों का देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से प्रख्यात है और यहाँ पर देवी देवताओं के त्योहार और उत्सवों को बड़ी उल्लास से मनाया जाता है। लेकिन बहरहाल पिछले दो सालों से जैसे कोरोना महामारी का जो दौर रहा है उसमें बंदिशें सरकार की तरफ से जो लगाई गई थी उसके बावजूद जो है अब थोड़ा सा जब राहत मिली है तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी छूट दी है। और अगर हम ठियोग के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नवरात्रों को लेकर खासे उत्साहित है क्योंकि काफी समय से कोई त्योहार और पर्व नहीं मनाए गए हैं और अब जब कोरोना महामारी से थोड़ी राहत मिली है तो लोगों की भक्ति और आस्था देखते ही बन रही है और लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। लोग सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों में जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी का दौर भी अभी लगातार जारी है तो इन सभी बातों का ध्यान जो है रखा जा रहा है। तो कोविड नियमों का ध्यान भी रखा जा रहा है और मंदिर में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। पंकज कतना, ऊना की अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा मंदिर है वहां पर चिंतपूर्णी। आपसे जानना चाहेंगे कि चिंतपूर्णी मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से और नियमों का किस तरह से पालन किया जा रहा है। जी मैम, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रशासन पिछले नवरात्रों से काफी सीख ले चुका है इस बार काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साफ सफाई का यहाँ पर और ध्यान रखने के लिए ज्यादा लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया। उसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी बॉर्डर, क्योंकि ऊना जो है वो पंजाब के साथ लगती सीमाओं के साथ घिरा हुआ है तो काफी बॉर्डर के रास्ते हैं तो हर बॉर्डर पर जो है वो स्टाफ की तैनाती की गई है कि बिना कोविड के कोई भी व्यक्ति, रिपोर्ट के कोई भी व्यक्ति हिमाचल में प्रवेश ना कर पाए। अगर जिसके पास दोनों डोज का सर्टिफिकेट है और या फिर नेगेटिव रिपोर्ट है उसी को ही हिमाचल आने की इजाजत दी गई क्योंकि लाखों की तादाद में इस जो त्योहार है, इस मेले हैं जो इसमें जो श्रद्धालु है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से यहाँ पहुंचते हैं। तो पंकज कतना, जिस तरह से आपने बताया कि काफी ज्यादा धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है, श्रद्धालु भी कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। शुक्रिया सुरेश शर्मा, शुक्रिया पंकज कतना इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मंदिरों में धूम मची है, रंग बिरंगी लाइटों से माता के दरबार जो है वो सज चुके हैं और ऐसे में नजारा बेहद खूबसूरत और भक्तिमय हो चुका है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे।